येलो खाऊं? येलो येलो मजेदार। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज थर्सडे है और अभी टाइम तकरीबन 8 बज रहे हैं रात के। तो अभी का कुछ ज़्यादा ख़ास सीन नहीं है। अभी सबसे पहले तो यार घर में थोड़ी सी कुकिंग वगैरह चल रही है। कुकिंग भी क्या, मीठे की पकाई चल रही है। और मीठा किस दी है वो भी बता देता हूँ। अभी रिसेंटली हमारा फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया और अल्हम्दुलिल्लाह लकीली मैंने और भाई ने प्रोविंशियली टॉप किया। केपीके प्रोविंस में मैंने सेकंड पोजीशन ली है और भाई ने फोर्थ पोजीशन ली है। बाकी पिछले साल का तो आपको 10th का रिजल्ट तो याद ही होगा क्या हुआ था। रिजल्ट आ चुका है और आपके हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती। वो मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता है। बिल्कुल सही। बड़ा एवरेज सा रिजल्ट आया, मतलब बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। मेरे 798 नंबर्स आए हैं आउट ऑफ 1100। अभी कुछ ज़्यादा ख़ास सीन नहीं है। पहले तो वो जो छोटे वाले रसगुल्ले होते हैं जिसको हम चम चम बोलते हैं वो जाके लेके आने, और उसके बाद आते हैं, बाकी फिर देखते हैं इंशाल्लाह क्या चीज़ करनी चाहिए। तो जर्दे की सारी तैयारियाँ वगैरह हो रही हैं, तो मैं जाता हूँ ऊपर से, पहले जाके चीनी लेके आता हूँ। तो तकरीबन 1.5 किलो चावल हमने 15 मिनट के लिए भिगो के रखे हुए थे, और उसके साथ ही पानी जो हमने उबलने के लिए चूल्हे पर रख दिया था, और उसके अंदर थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल दिया, और अब इसको थोड़ी देर पकने देंगे, उसके बाद फिर इसमें चीनी डालेंगे। तो 90% उबलने के बाद चावलों के अंदर से पानी हमने निकाल के चावलों को अलग रख दिया, और इसके बाद अब बाकी के जो आटे होते हैं वो भी दिखाते हैं। सेम देचके में से हमने चावल जो है निकाल लिए हैं, उसमें से पानी सारा गिरा के, उसके बाद इसमें देसी घी अपने घर का डाल के, उसके बाद चीनी भी डाल लिए जो मैं लेके आया हूँ अभी ऊपर से। अब इस चीनी के मेल्ट होने का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद इसमें ये दूध डालेंगे। तुमसे ना हो पाएगा। मिल्क पैक भी डालना है, फ्रेश भी डालना है। डेढ़ पाव खोया और इसके अंदर तकरीबन 3 पाव दूध डाल चुका है उस चीनी के अंदर, और ये उस दूध और चीनी की चाशनी बन चुकी है। तो उस 1.5 पाव में से तकरीबन आधा खोया जो है ऐड हो चुका है, बाकी का जो वो जर्दा तैयार होने के बाद उस ऊपर गार्निश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके ऊपर बाद में गार्निश की जाएंगी। इसमें हमारे पास तकरीबन आधा पाव के करीब करीब खोया है, 100 ग्राम इसमें पिस्ता है और 100 बादाम और 200 ग्राम इसमें बादाम है, और ये वो छोटे रसगुल्ले जो हैं जो हम बाहर से लेके आए थे। तो ये चाशनी रेडी हो चुकी है, अब इसके अंदर चावल डालने लगे हैं। तो दूध और चीनी का जो मिक्सचर था, जब तक वो ड्राई नहीं होता है इसको हम पकने देंगे तेज आंच पे, तेज आंच पे। तो इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, अब इसके अंदर
ये जो सारे लवाजमात पड़े हैं ना ये ऊपर डाल के देंगे, उसके बाद इसको दम लगा देंगे। तो दम पे इसको रख दिया, जब ये कंप्लीट होता है फिर आपको मिलते हैं। तो ये चावल जो अपने रेडी हो चुके हैं और डब्बों वगैरह में सब के लिए डाल लिए, जिस जिसको दे के आने थे वो दे आए हैं और अपने लिए भी अलग कर लिए हैं। और अभी मैं आपको रात का खाना दिखाता हूँ। रात को हम लोग ये शिनवारी कढ़ाई है, ये भी मम्मा ने बनाई है, ये खाएंगे इंशाल्लाह। बाकी वीडियो फिलहाल मैं डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, इंशाल्लाह सुबह फिर आपसे मिलते हैं। The next day. ओके, तो यार गुड मॉर्निंग हो गया, अभी फिलहाल कुछ ज़्यादा स्पेशल सीन नहीं है, फ्राइडे का दिन है तो हम लोग अभी फ़िलहाल कॉलेज जाने लगे हैं और वापस आके फिर कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं, मैसम आएगा फिर थोड़ा सा शोर मेला लग जाएगा और उसके बाद वीडियो एंड कर देंगे इंशाल्लाह। तो कॉलेज से वापस आके आपसे मिलते हैं। तो यार कॉलेज से हम लोग आ चुके हैं, अभी खाना शाना खाते हैं और शाम को मैसम आ जाएगा तो मुझे पता है कि कुछ ज़्यादा ख़ास होगा नहीं। तो ऐसा करते हैं कि आपको जो हमने प्रीवियसली गेम खेली थी ना मैसम लोगों के साथ, मैसम और भाई और मैं, हम तीनों ने एक गेम खेली थी तो वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और कमेंट्स में ज़रूर बताएं वो कैसी लगी आपको। अच्छा ओके लेट्स गो, पंखा बंद कर लिया, गर्मी लग रही है, पीछे आना। ये कौन सा है? ओए ये क्या है यार? एक दो दो तीन ओ एक दो तीन ओ ये भी बहुत खराब लगता है, अभी बहुत खराब मैं मारूंगा। यूक्रेन नाजायज पड़ी है, इनको एक्स्ट्रा मारूंगा दोनों को। ये दो तीन भाई सही बताते हो, भाई सही बताते हो या गलत बताते हो? एक पड़ेगी पड़ेगी इसको, एक ग्रीस दो बराबर। एक मिनट, अच्छा ग्रीस ग्रीस प्लीज 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 प्लीज, चींक आ रही है मुझे। एक दो नहीं पता यार, वो खराब मारता है। अर्जेंटीना यार, तो मैं पीछे से आऊंगा मारने के लिए। ये कौन सा है? ये कौन सा है यार? दो तीन नहीं करो, एक मिनट चल। ये यूके ओए परे हो तू, लेजेंड ना के निकाली साउथ को यार। अच्छा ओए बारात आई हुई है, ठहरो। अच्छा अर्जेंटीना ये है ब्रो, ओए अर्जेंटीना राम ही बनाएंगे। अच्छा एक दो तीन ओए ये बहुत है। चलो US, one, two, US. USA. USA. एक मिनट, अच्छा यार ये क्या है? मेरे पे सारे नए नए क्यों आते? I'm back with another video. चुप करे। एक ये वो है, दो यूके का बड़ा भाई, तीन तेरा भाई। ये बहुत खराब लगता है। अब अभी ए अभी मजा आएगा। तुर्की 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 थ्री स्विट्जरलैंड। लड़ते रहो आप लोग, लड़ो मैं ना उतनी देर अपना अपनी बारी गुजारता हूँ। ये अभी आया था पोलैंड पोलैंड पोलैंड। मई था मई था मई था
हेलो ये वो शेर फेल से आ गया मुर्दार एक मिनट दो तीन बहुत सर दुख रहे मैसन चला गया तो मैं डबल ब्राजील ना करे ये जल्दी बारी निकल जाए मैसन को एक बार फिर लाना है ये वो इटली 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 अच्छा तो यार अभी मैसम आने लगा शाम का टाइम है तकरीबन 7 बजने वाले हैं तो मैसम आता है तो हम लोग अपनी को मूवी शूवी देखते हैं और आई नो व्लॉग थोड़ा छोटा सा इसको अभी एंड करने लगा हूँ क्योंकि आगे कुछ खास नहीं है मुझे पता आगे वीकेंड है और फ्री नहीं है हम लोग तो इस वीडियो को एंड कर देते हैं उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें कॉमेंट कर दें कुछ भी अच्छा सा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें दुआओं में याद रखें मिलते हैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ कौन है यार मैं